बेक्ड कैबेज रोल्स, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी। टोटल 1.5 टेबल 1.5 टीस्पून से ज्यादा उसमें ऑयल नहीं लगा। फिलिंग देखिए, इसके अंदर सारा फिल्ड है पनीर मशरूम से। तो चलिए बताते हैं आपको हमने कैसे बनाया है इसे। फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बना रहे हैं कैबेज रोल्स। कैबेज रोल्स एक्चुअली एक पॉलिश डिश है और पोल्स खाते हैं इसको और बीफ डाल के खाते हैं। जो रोल्स होते हैं उसकी फिलिंग मेनली बीफ की होती है, तो हम लोग उसको बीफ की जगह पनीर से सब्स्टिट्यूट करके वेजिटेरियन रोल्स बना रहे हैं। और आप चाहें तो उसमें सोया चूरा भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आधी कैबेज है, वैसे तो पूरी कैबेज यूज होती है, बट क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं बनाना, दो जनों के लिए बनाना है, तो ये आधी कैबेज मैं यूज कर रही हूँ। और इसमें से ये देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसका ये हार्ड वाला पार्ट निकल गया। और अब हम इसको बॉईल करेंगे 10 मिनट के लिए। तो मैंने पानी ऑलरेडी गैस पर रख दिया है बॉईल होने के लिए, और पानी बॉईल हो जाता है तो इसको हम 10 मिनट बॉईल करेंगे। तब तक मैं आपको बाकी सामान भी दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये हमारी कैबेज कट होके प्रिपेयर हो गई। देख सकते हैं ये लंबी कैबेज थी, आधी हमने सब्जी के लिए यूज की थी और आधी रोल्स के लिए यूज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं लंबे लंबे इसके पत्ते हैं। ये लंबाई में ज्यादा थी इसीलिए मैंने इसको कैबेज रोल्स बनाने का सोचा। अभी तो पानी उबल रहा है, उबला नहीं है, तो मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार ये पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर ये कैबेज ऐसे की ऐसे मैं अंदर डाल दूंगी और उसको 10 घड़ी देखकर और 10 मिनट के लिए उसको उबाल के और फिर छान के निकाल लूंगी। हमें पानी भी नहीं चाहिए इसका बाद में, पर हाँ ये है कि कुछ लोग, क्योंकि ये स्टॉक टाइप बन जाता है तो उसको आप स्टॉक की तरह से उस पानी को बाद में इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये पानी अभी बॉईल थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, मैं इसके अंदर ये कैबेज डाल ही देती हूँ और 10 मिनट में फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैबेज कैसी हुई। तो ये एक्चुअली बॉईल होने के बाद इसको ठंडा भी करना पड़ेगा और फिर हम रोल्स बना पाएंगे। तो अब 10 मिनट के बाद मिलते हैं, मैं आपको बाकी का सामान भी दिखा दूंगी। तो लीजिए फूडीज, देखिए ये हमारा कैबेज जो है अच्छे से ठंडा भी हो गया और बॉईल भी हो गया। तो इस तरीके से इसके सारे पत्ते मुझे अलग करने होंगे रोल्स बनाने के लिए। ये देखिए, एक एक पत्ता ऐसे अलग कर लूंगी और बाकी का सामान भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरा स्टॉक रेडी हो गया इस कैबेज के पानी से, विच इज गुड, नेक्स्ट टाइम सूप में काम आएगा। इसको मैं साइड रख देती हूँ। यहाँ पे 100 ग्राम पनीर है जो कि मैंने मैश कर लिया है। ये मेरे पास मशरूम है, 2 लार्ज साइज के मशरूम थे, तकरीबन इतने बड़े बड़े। अगर आपके पास छोटे हों, मीडियम हों, तो 4 एटलीस्ट डालिएगा। ये मेरे पास टोमेटो प्यूरी है जो कि मैं 1 टेबल स्पून जितनी डालूंगी। उसके अलावा यहाँ पर 1 बड़ा प्याज देखिए चॉप कर लिया मैंने। उसके साथ आप देख सकते हैं लहसुन भी है, तो ये 5 से 6 लहसुन की कलियां थी जो साथ साथ ही चॉप कर ली हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हमें चाहिए 1 से 1.5 टीस्पून सिर्फ ऑलिव ऑयल, ये सब सौते करने के लिए, और उसके अलावा नमक और काली मिर्च, दैट्स ऑल। खाली यही सब डलेगा इसमें। मेयोनीज थोड़ी सी डालना चाहे डाल सकते हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मेयोनीज। तो अगर आप मेयोनीज डालना चाहें तो इतने कैबेज, मतलब इतने सामान के लिए आपको 1 टेबल स्पून मेयोनीज बहुत होगी। तो चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं इसको। तो देखिए फूडीज, यहाँ पर मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और इसके अंदर कैबेज का पानी ही है इसको, इसलिए इसको थोड़ा सा सूखने देती हूँ और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल। पानी सूख गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। ये देखिए, बस मैंने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल डाला है। नॉनस्टिक है तो बहुत ज्यादा डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे अनियन और गार्लिक। अब
इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक पका देंगे। जब ये ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाला होगा तो उस टाइम पर मैं मशरूम को छान लूंगी। देखिए इसको 2 मिनट लगे, कितने अच्छे से ब्राउन हो गया ये। तो अब पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर पूरी, क्योंकि उसको सुखाना है बिल्कुल मुझे। तो डेढ़ टेबल स्पून हम टमाटर पूरी डाल दी हमने। एक मिनट इसके साथ पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर मशरूम डालेंगे। वैसे देखिए हम इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं बारीक काट के, लेकिन टमाटर से क्या होता है पानी छूटता रहता है। टमाटर प्यूरी जो है वो सूख जाती है। देखिए आप कैसे सूखे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मशरूम जो मैंने छान के रख लिए थे। और अब उनको थोड़ा पकने देंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालते ही मशरूम पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और फिर बहुत ज्यादा गीला गीला रह जाएगा हमारा जो ये मसाला है। तो हम इसको ऐसे ही पकाएंगे मशरूम को, जितना पानी थोड़ा बहुत ऐसे निकलना है निकलने देंगे। जब थोड़े से मशरूम पक जाएंगे तब हम इसमें नमक और काली मिर्च डालेंगे और पनीर भी डालेंगे। जो पॉलिश डिश होती है जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें ग्राउंड बीफ डलता है, यानी कि बीफ जो कद्दूकस टाइप होता है उस तरीके का, और वो कच्चा डलता है। खाली ये मशरूम वगैरह ही पकता है तो वो कच्चा डालते हैं, इसीलिए उसको ओवन में डेढ़ घंटे तक उनको पकाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारा ये सब सामान रेडी होगा, सब सॉफ्ट होगा और बीफ तो हम खैर डाल ही नहीं रहे तो पकने में देर भी नहीं लगेगी, तो इसलिए हम इसको ओवन में सिर्फ 15 से 20 मिनट रखेंगे। दो मिनट पकाया मैंने इसे और देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख गया। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पनीर और इसके अलावा नमक और काली मिर्च। पनीर भी देखिए सॉफ्ट होगा गैस पे जाकर, हल्का सा है थोड़ा। डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब याद रखिएगा कैबेज में नमक नहीं है तो इसमें उस हिसाब से नमक डालिए। जो बहुत ज्यादा तीखा पसंद करते हैं अपने हिसाब से काली मिर्च डाल सकते हैं, और आप काली मिर्च को हरी मिर्च से सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम नॉनवेज नहीं बनाना चाहते थे इसीलिए हमने पनीर डाला, बाकी चीजें हमने जितनी ओरिजिनल रख सकते हैं उतना ही रखने की कोशिश करी है। तो अब इसको 1-2 मिनट पकाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर रोल्स बनाएंगे। जब एक बार हो जाएगा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको रोल्स भी बताऊंगी कैसे बनाएंगे। एक चीज जो हमने इसमें भी नहीं डाली वो है मेयोनीज, तो वो भी डाल देते हैं। देखिए ये गई तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये हो गया मिक्स। देखिए वैसे कहते हैं कि मेयोनीज डाल के ना पकाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे बंद कर दूंगी अब।
ये पका तो ऑलरेडी हुआ है, पनीर को तो इतना पकने की जरूरत भी नहीं होती। तो अब मैं इसको कर देती हूँ बंद और इसके ढकने की वेट करते हैं। जो वो लोग बीफ से बनाते हैं ना मसाला, वो भी इस टाइप का ही होता है। चलिए फिर अब हम मिलते हैं इसके ठंडा होने के बाद। देखिए जो हमारा मसाला है वो अब ठंडा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है एक ट्रे में और मैं इसको ग्रीस कर देती हूँ ऑयल के साथ। बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी है ये, सिर्फ दो, ज्यादा से ज्यादा 2 टीस्पून इसमें ऑयल लगा। और वैसे पोलिश लोग जो हैं वो बटर में बनाते हैं इसको जनरली, पर ये उसका एक हेल्दियर वर्जन है। तो ये मेरा लग गया ऑयल, इसको मैं साइड में रखूंगी और आपको कैबेज प्रिपेयर करके बताऊंगी। आप देखिए हमने किया क्या है इसको, ये जैसे ये कैबेज है मैंने पहले से ही इसके जो पत्ते हैं वो देखिए इस तरीके से करके ये यहाँ पे फिर से मोटा वाला पीस आ गया, उसको हटा देती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो वैसे इधर से भी करके दिखा सकती हूँ मैं, नीचे से ज़्यादा सही से निकलते हैं तो इसलिए हम नीचे से निकालते हैं। ये जो पत्ते हैं एक 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 करके देखिए इस तरीके से हमने अलग कर लिए हैं। तो एक एक पत्ते का एक एक रोल बनेगा। ये देखिए ये सब पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते जो हैं ये देखिए ये रोल के लिए यूज होंगे। अब इसमें एक काम और होगा वो मैं दिखाती हूँ आपको, वो ये कि ये जो पत्ते का ये नीचे ये मोटा वाला पोर्शन होता है ना, ये जो लीफ का, इसको हम कट कर देते हैं ताकि रोल करने में आसानी रहे। तो ये इस तरीके से कट हो जाएगा। तो अभी ये सारे कट कर देती हूँ सबसे पहले और फिर हम इसके रोल्स बनाना शुरू करते हैं। चलिए मेरा ये कट हो गए सारे और अब हम बनाना शुरू करते हैं ये रोल्स को। तो ये मोटी वाली साइड जहां से हमने कट किया था ना, ये मोटी वाली साइड को हम हमेशा नीचे रखेंगे यानी कि अंदर की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, स्पून लेकर अच्छा गुड अमाउंट, जैसे टेस्ट भी आए ना मसाले का, तो तकरीबन एक बड़ा टेबलस्पून या 2 टीस्पून जितना तो एटलीस्ट आप मसाला यूज कीजिए। और आप कर क्या सकते हैं, सेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ना ये 2 हाफ ऑफ वाले हैं और 5 बड़े वाले हैं, तो यानी कि मेरे पास हो गए ये 7। तो अगर मैं 7 के हिसाब से सेक्शंस कर लूं तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे कितना कितना डालना है। तो मैं आपको सेक्शन करके भी दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ऑलरेडी डाल ही लिया, तो ये देखिए ये मैंने 6 सेक्शंस कर लिए। अब इसको हम करेंगे इस तरीके से रोल, और इसकी जो ये वाली साइड है ना, ये जो जहां पे बंद कर रहे हैं हम, उसको हम कर देंगे नीचे इस तरीके से, वो इसलिए ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से करके हम ये सारे रोल्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं और फिर इसको ओवन में बनाएंगे। जब तक ये रोल्स हम बना रहे हैं तब तक हम ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट पर रख देंगे 200°C पर। देखिए 3 मेरे बन भी गए, अब फटाफट से बना लेती हूँ, फिर जब ओवन की आवाज आएगी तो मैं इसको ओवन में डाल दूंगी उसी 200°C पर 15 मिनट के लिए। तो आपको भी वही टाइम देखना है, 15 मिनट 200°C। तो ये मैं आपको प्रोसीजर सारा बता दिया है, मुझे बस अब इसको खाली ओवन में डालना ही है। तो अब मैं आपको एक बार ये बन जाएगा तब इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, लेकिन इसमें एक चीज अभी और करनी है। तो ये सारे रोल्स बना के फिर मैं आपको बताती हूँ लास्ट में हमें क्या करना है इसमें।
ये देखिए जो मेरे हाफ हाफ वाले पत्ते थे ना उनमें थोड़ा सा कम कम मसाला डाला था तो मसाला थोड़ा सा बच रहा था, इसीलिए मैंने एक छोटा पत्ता भी यूज कर लिया और उसे भी भर दिया। तो अब हो गए मेरे पास टोटल 8 रोल्स। अब देखिए अब ये बाकी के इसका क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दोबारा ऑयल से ब्रश करेंगे इसको। मैं आपको बता दूं ये ब्रश से जो ऑयल इस पे लगता है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून या 1/3 टीस्पून होता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। तो अब ये जो पत्ते हैं ना सारे के सारे ये जाएंगे इसके ऊपर कवरिंग। आप अब इसको चाहे काटिए चाहे ना काटिए, जो इसकी मोटी वाली स्टेम है उसको काटे ना काटे कोई बात नहीं, ये भी खाने के काम आता है, हम इसको क्यों वेस्ट करेंगे, है ना। तो हम ये सारे पत्ते डाल देंगे और स्टेम कटनी पड़ेगी, बहुत मोटी लग रही होगी तो काट देंगे, नहीं लगेगी मोटी तो हम उसको रहने देंगे। और इस तरीके से ये सारा बिछा देंगे, टूट फूट जो भी है सब यूज हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है ये ऐसे का ऐसे भी। और इसके ऊपर हल्का सा हम सॉल्ट और पेपर स्प्रिंकल कर देंगे फिर, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कुछ डला हुआ नहीं है ऊपर मसालों में, तो उसमें तो डले हुए हैं मसाले लेकिन इनमें नहीं डला हुआ, तो वो सॉल्ट और पेपर देखना पड़ेगा हमें। खोल खोल के इस तरीके से सारे रोल्स को कवर कर दिया हमने और हमारी पूरी की पूरी कैबेज भी यूज हो गई। यही वजह है कि मैंने सिर्फ आधी कैबेज यूज की थी, क्योंकि हम खाली 2 जने हैं जैसा कि मैंने बताया, और बहुत ज्यादा हो जाता अगर हम पूरी कैबेज यूज करते तो। हाँ, पर अगर आप बना के ऑलरेडी रखना चाहेंगे बाद में खाएंगे ये सोच के तो आप कर सकते हैं ऐसा। ये देखिए मैंने सिर्फ 1 किलो जिनका ये मोटा मोटा बहुत ज्यादा था वो काटा है, बाकी सबको मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो ये हमने रख दिए कैबेज के ऊपर सारे के सारे बचे हुए पत्ते, इसके ऊपर दोबारा से एक बार लगाएंगे हल्का सा ऑयल। तो टोटल जैसा कि मैंने कहा था 2 टीस्पून, इनफैक्ट 2 भी नहीं लगा, मैं कहूंगी कि 1/2 टीस्पून जितना ही लगा, उससे ज्यादा नहीं लगा। तो अब इसके ऊपर जो है हल्का सा हम नमक और काली मिर्च छिड़कते हैं ताकि इसमें भी टेस्ट आए। अब मैंने ओवन अभी नहीं गर्म किया था और रीजन ये था, मैंने आपको कहा था कि ओवन हम साथ साथ गर्म कर सकते हैं, पर मेरा गर्म ना करने का रीजन ये था कि हम लाइट डिनर की तरह इसको खाने वाले हैं और अभी टाइम नहीं हुआ डिनर का, सिर्फ 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ता है, वैसे तो 15 मिनट का काम चल जाता है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ी देर में रखूंगी। तभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारा प्रिपरेशन करके दिखा देती हूँ और उसके बाद आपको ओवन का टाइम भी बता देती हूँ। तो जब हम इसको बनाएंगे और यूज करेंगे तब मैं आपको इसको दिखा दूंगी। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी काली मिर्च और नमक या, और एक चीज और आप कर सकते हैं इसके ऊपर वो है ओरिगेनो या पास्ता सीजनिंग, तो मैं यहाँ पर पास्ता सीजनिंग डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये इससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर और जो पत्ते पत्ते हैं ना उनका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा जो खाली पत्ते हैं। तो अब ये हो गया प्रिपेयर, अब मेरे को 10 मिनट ओवन प्रीहीट करना होगा और फिर 15 मिनट बनाना होगा। जब ये बन जाएगा तो मैं आपको निकाल के इसको दिखाऊंगी। फिर रोल हमारे रेडी हो गए हैं, मैंने जैसा कि कहा था कि 15-20 मिनट्स रखूंगी इसको, तो मैंने इसको 15 मिनट्स जो है वो बेक पे रखा था और फिर ऊपर से थोड़ा सा रेडिशनेस आ जाए, वैसे रेडिशनेस वाला रखते नहीं करते नहीं है ये लोग, व्हाइट व्हाइट रखते हैं, पर हम क्योंकि इंडियंस थोड़ा सा भुना हुआ टाइप का अच्छा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा रेड करने के लिए 5 मिनट के लिए ऊपर ग्रिल पे कर दिया था। ये देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ और एक रोल को काट के भी दिखा देती हूँ।
सबसे पहले हम ऊपर की कैबेज रिमूव कर देते हैं। ये रोल्स के लिए कैबेज बेड बना दिया हमने, ठीक है। और अब हम निकालते हैं रोल्स। रोल्स जो है वो ऑब्वियसली रेड नहीं हुए होंगे, हमने सिर्फ कैबेज को रेड करना था। कवर्ड है तो इसलिए रोल्स के रेड होने का मतलब ही नहीं है। नीचे से थोड़े थोड़े हुए रेड, ऊपर से तो बिल्कुल नहीं क्योंकि कवर्ड थे जैसा कि मैंने कहा। देखिए मस्त लग रहा है ना, और इतना हेल्दी खाना, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। देखिए मैं आपको एक रोल यहाँ से कट करके भी दिखाती हूँ। इसको आप टोस्ट के साथ खाइए, ऐसे ही खाइए, पराठे के साथ खाइए। वैसे पराठे के साथ मतलब नहीं बनता, बट अगर आप पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये अंदर से सारी इसकी फिलिंग, और ये अच्छे से बना हुआ रोल, ये देखिए है ना मजेदार। तो चलिए फिर आप भी फटाफट से इसको बनाइए और खाइए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, तभी आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।